डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप और तुरंत पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक। आज हम बात करेंगे मार्च 2018 के मासिक राशिफल की, लेकिन उससे पहले क्योंकि महीने की शुरुआत होते ही होली का पावन त्यौहार है, इसलिए आप सभी को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपका यह जीवन रंगों से सराबोर रहे और जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि तरक्की आए, ये रंग आपके जीवन में बिखर जाएं। तो आइए शुरू करते हैं मासिक राशिफल मार्च 2018। लेकिन हम आगे बढ़ें उससे पहले, यदि अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कीजिए, और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धनुराशि, आप एक स्वतंत्रता पसंद व्यक्ति हैं जो करियर ओरिएंटेड होते हैं और सबसे ज़्यादा अपने आप की सफलता को मानते हैं। कभी कभी आप किसी ठोस निर्णय तक पहुंच पाने में अपने आप को असहज महसूस करते हैं और पूरा कार्य को पूरा करने में वक्त लगा देते हैं, जिसके कारण आपकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। आप जो भी कार्य करें स्थिरता और गंभीरता के साथ करें और सोच विचार करें, जिससे आपको कामयाबी मिलती रहे। इस माह के उत्तरार्ध में आपको कई क्षेत्रों में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं अथवा व्यवसाय करते हैं तो दोनों में आपके लिए अच्छा समय दिखाई देता है। यदि आप व्यावसायिक हैं तो व्यवसाय में भी अच्छा लाभ हो सकता है। यदि आप इस माह में कोई घर लेने का विचार कर रहे हैं तो वो आपको इस माह के उत्तरार्ध में रखने का प्रयास करें। साथ ही संतान पक्ष को लेकर स्थिति कुछ तनावपूर्ण हो सकती हैं। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं अथवा मानसिक शांति भंग हो सकती है। शारीरिक रूप से मुख्यतः आप स्वस्थ रहेंगे, ऐसे योग बनते हैं। यदि आप इस माह में बाहर की यात्रा करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके प्रयास सफल हो सकते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह माह आपके लिए उन्नतिदायक है। यदि बात करें आपके पारिवारिक जीवन की तो घर परिवार में सबके साथ संबंध बेहतर होंगे। गुरु का तुला राशि में संचरण पारिवारिक जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और पारिवारिक दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। परिवार के लोग आपकी बातों को अच्छा महत्व देंगे। हालांकि संतान पक्ष से कुछ कम संतुष्टि होगी या उनको लेकर चिंता रह सकती है। साथ ही आपको उनके लिए कहीं भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है। माता पिता के साथ आपके अच्छे संबंध होंगे तथा उनके आपसी संबंध बेहतर बनाए रखने के लिए आप अनेक प्रयास भी करेंगे। घर परिवार में आपका कद बढ़ सकता है। आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में सफल होंगे। माह के शुरुआती दौर में थोड़ी परेशानियाँ आ सकती हैं, परंतु उत्तरार्ध में आपको अच्छी कामयाबी मिल जाएगी। यदि बात करें आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन की तो आपको अपने प्रियतम से आपसी संबंध बिगाड़ सकते हैं, ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी संभव है और आपसी मतभेद हो सकते हैं, जिससे एक दूसरे से दूरी आ सकती है। मंगल वृश्चिक में संचरण कर रहा है जो प्रियतम में अलगाव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, इसलिए आप बड़े धैर्य से काम करें। यदि आप कोई प्रपोजल अपने प्रियतम को देना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए उसे स्थगित करें और माह के अंत में प्रयास करें। यदि आप अपने प्रियतम को कोई राय देना चाहते हैं या उनसे राय लेना चाहते हैं तो अभी दूरी बनाकर ही रहें, ऐसे विचार इस माह में ना लाएं। साथ ही कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपका रिश्ता खराब हो, उनको खुश करने के लिए कोई अच्छा सा उपहार भेंट कर सकते हैं। इस माह में आपका वैवाहिक जीवन अर्थात दाम्पत्य जीवन बेहतर हो सकता है। जीवनसाथी से प्रेम अच्छा प्राप्त होगा और कामकाज की स्थिति भी बेहतर होगी, जिसमें उनका सहयोग मिलेगा। यदि बात करें आपके आर्थिक जीवन की तो इस माह में कामकाज की स्थिति बेहतर होगी। धन लाभ होने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आपका भाग्य अच्छे रूप से साथ देगा। जिस काम को करेंगे उसमें अच्छी कामयाबी प्राप्त होने का योग बन रहा है। आर्थिक स्थितियाँ बेहतर होंगी, साथ ही आर्थिक उन्नति के लिए जो भी प्रयास करेंगे वो सफल होंगे। सूर्य का कुंभ राशि में संचरण करना और गुरु का तुला राशि में संचरण करना आर्थिक दृष्टि से आपके लिए अच्छा और उन्नतिदायक सिद्ध होगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, इसलिए जिस किसी काम में आप लगन और मेहनत से लगेंगे उस काम में अच्छी कामयाबी प्राप्त हो सकती है। कुल मिलाकर आर्थिक दृष्टि से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो सकती है। यदि बात करें स्वास्थ्य की तो इस माह में आपका स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। किसी तरह के पेट से संबंधित परेशानी हो
हो सकती है, अतः खान पान का विशेष ध्यान रहें और ज़्यादा सोच विचार ना करें। मेडिटेशन और योगा भी करते रहें जिससे आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहे और शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहें। कोई बड़ी समस्या उत्पन्न होने की संभावना नहीं दिखाई देती। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, इसलिए स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। उपाय के रूप में गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं, साथ ही पीली सरसों दान करने से आपको लाभ हो सकता है। आप गुरुवार का व्रत एवं पूजन करें, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही अपने भविष्य से जुड़ी किसी भी जानकारी के समाधान के लिए डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप को। आपका ये महीना शुभ रहे और आपको जीवन में तरक्की मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक।